तो देख सकते हैं इस तरह का गाड़ी आपको नीलामी में आपको दिखने वाला है। काफ़ी सारा गाड़ी है, टोटल एक एक करके बताएंगे। चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। देख सकते हैं बाइक का, देख सकते हैं, तो देख सकते हैं ये सब जो तमाम गाड़ी है जिसकी नीलामी की जा रही है बिहार सरकार द्वारा। देखिए सरकार जो है जितने भी लोग का गाड़ी पकड़ाया हुआ है दारू शराब मामले में, उन सभी लोगों की गाड़ी की जैसे जैसे लिस्ट आते जा रहा है वैसे वैसे नीलामी भी किया जा रहा है। जो जो कांड संख्या में है गाड़ी अंकित है, वो भी कांड संख्या भी उस पर लिखा हुआ है। तमाम बिहार के अलग अलग जिलों में इसकी नीलामी किया जा रहा है। दारू शराब बंद है, जो गलत धंधा कर रहे हैं, जो गलत कारोबार कर रहे हैं, उनका गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। और हम यही कि एक ही चीज़ कहेंगे, कोई भी व्यक्ति गलत कारोबार ना करे ताकि यहाँ गाड़ी आए और फिर नीलाम हो। इस तरह का ये लिस्ट होता है और इस तरह की जो गाड़ी सब है तमाम थाने में जो है काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत गाड़ी है, कंडीशन में गाड़ी है। जो कुछ लोग दिखाते थे कि जो थाने की गाड़ी होती है ख़राब होती है, ऐसी होती है वैसी होती है, हम बताएं कि जो भी थाने की गाड़ी है, थाने में जो गाड़ी सब है एकदम कहीं ना कहीं सुरक्षित है। एक चीज़ जो है कुछ लोग कहते हैं कि थाने में गाड़ी गायब हो जाती है, थाने से ये चीज़ चोरी हो जाता है, ये चीज़ भैया थाने में जो आपकी गाड़ी जाती है खिंचाकर वो कहीं ना कहीं बाकी जगहों से सुरक्षित ज़रूर रहता है। रख रखाव का स्थिति जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो रहता है क्योंकि कोई घर में चाहे शोरूम में आपका गाड़ी को लगा कर नहीं जाता है। गलत धंधा का गाड़ी है, गलत जगह पर मतलब रहेगा, ठीक है, बाहर ही रहेगा, ऐसे शोरूम में गाड़ी नहीं रहेगा। जो गाड़ी है जैसा है उसी स्थिति में नीलाम किया जाता है। काफ़ी लोग नीलामी में भाग लेते हैं, इच्छुक व्यक्ति लोग भाग लेते हैं जिनको पूरा जानकारी रहता है, पूरा प्रोसेस रहता है। टोटल प्रोसेस का वीडियो आपको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये चीज़ जो भी ये सब चीज़ है सब आपको आवेदन करना हो ये भी निःशुल्क, हर एक चीज़ निःशुल्क है। लेकिन जो अग्रधन की राशि है, जो नीलामी में जो गाड़ी है उस गाड़ी पर जो लिस्ट आता है उस पर जो नीलामी का जो लिस्ट रहता है जिस पर नीलामी के लिए बोली लगाना रहता है, जो हर गाड़ी का एक निर्धारित मूल्य किया जाता है, जो निर्धारित मूल्य आप पिछला वीडियो में देखे होंगे तो उसमें दिया भी गया है, जो लिस्ट डाउनलोड करिए उसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। तो सरकार आम लोगों के लिए, आम लोग भी यहाँ से गाड़ी खरीद पाएँ उसके लिए सरकार कहीं ना कहीं इसमें राहत दी हुई है। काफ़ी कम कीमत में तमाम सारी वो गाड़ी की लिस्ट में शामिल किया जाता है ताकि आम आदमी भी इसमें भाग लेकर खरीद पाएँ। पहले इसको ऑनलाइन किया जाता था लेकिन अभी सरकार के थ्रू इसको ऑफलाइन कर दिया गया है ताकि हर कोई इसमें भाग ले पाए। काफ़ी सुविधाजनक कर दिया गया है, तमाम सारी वो सुविधा भी आपको यहाँ पे मिल जा रही है जिसमें किसी प्रकार के एक पैसे की कोई आपको चार्ज नहीं दिया जा रहा है। हाँ, एक चीज़ जो है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी हेतु कोई आपसे कुछ पैसा ले सके कि जो आपको बताए समझाए गाइड करे वो कुछ ले सकता है। इसमें किसी प्रकार के लोग ये भी ब्लेम लगाते हैं कि दलाली चल रहा है, सेटिंग चल रहा है, तो बात करें कि नहीं, इसमें किसी प्रकार का सेटिंग चल रहा है, नहीं किसी भी प्रकार का ये धोखाधड़ी चल रहा है, ठीक है। जो लोग एक कह रहे हैं कि जिनके साथ ऐसा हो रहा है तो उन लोगों का नहीं बताएंगे। कुछ लोग होते हैं 100 में से 5% होते हैं जो लोग धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी को अगर आप पेमेंट करते हैं, किसी को पेमेंट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको एक्साइज कार्यालय में जाना है, आवेदन करना है, वहीं पर जो भी आवेदन की राशि आपको एक्साइज कार्यालय में ही जमा करना है। आपको कहीं दूसरी जगह एक पैसे की आपको कहीं देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दलाल के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कोई सेटिंग नहीं चलता है, हम आपको फिर से दोबारा बताते हैं, किसी प्रकार की कोई सेटिंग इसमें नहीं चलता है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं या अफवाह है, किसी प्रकार का कोई सेटिंग नहीं है, सरकार के थ्रू चल रहा है, ये खुली ऑक्शन है, इसमें कोई भी तमाम लोग भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई हाइडन है, चाहे कोई किसी बड़े कोई सेठ हो तो या कोई एक आम इंसान हो तो, सबके लिए ये ऑक्शन बराबर है और सभी के लिए ऑक्शन बराबर समान स्थिति में ये किया जाता है, बशर्ते इसकी बोली लगाई जाती है। एक गाड़ी पर 10 आदमी भी हो सकते हैं, एक गाड़ी पर 1 आदमी भी हो सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई सेटिंग नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप लोग शायद कन्फर्म हो जाइए, समझ जाइए। नीलामी में भाग लेने के लिए आपको आवेदन वगैरह जो प्रक्रिया है वो करना होगा, जो डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट का प्रोसेस करना होगा, डीडी जो है डीडी भी आपको बनवाना होगा। ये सारा चीज़ का वीडियो हम पहले हम दे दिए हैं, जाकर नहीं देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक होगा, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिए। इसका लाइव है यहाँ पे, किसी प्रकार की किसी भी तरह का कोई दलाली घुसखोरी नहीं चलता है। जो भी ऑफिसर लोग होते हैं सब लोग काफ़ी ईमानदार और काफ़ी सजग लोग हैं, किसी प्रकार की आपको उससे कोई एक पैसे की कोई धोखाधड़ी नहीं होता है। हाँ, आपको बशर्ते जानकारी होना चाहिए। अगर इसकी जानकारी के लिए चाहे MSTC का हो या सरकारी नीलामी हो या प्राइवेट नीलामी हो, जिसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी से अगर कोई एक बच्चा भी सीखने जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक फीस होता है। तो उस तरह का इस सब चीज़ों से संबंधित अगर जानकारी अगर आपको चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में जानना हो समझना हो, तो हर तरह का जो हर एक सब्जेक्ट का कोर्स होता है तो इन ये सब चीज़ को भी अगर जानकारी चाहिए तो इस सब चीज़ के लिए भी आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा।
पे करके आप सरकारी नीलामी हो, या ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी नीलामी, आप सरकारी नीलामी हो, प्राइवेट नीलामी हो, या सेकेंड हैंड गाड़ी का हो, इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए, प्राइवेट नीलामी कैसे भाग लेते हैं, सरकारी नीलामी कैसे भाग लेते हैं, सारा जानकारी आपको बशर्ते बताया जाएगा। अब बशर्ते इतना ही नहीं, आपको उन सारे चीज़ों के बारे में भी समझाया जाएगा कि आप क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, कहाँ कहाँ पे नीलामी होता है, MSTC हो, MSTC तो खैर बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में आपको जानने में समझने में कभी करीबन लंबा समय लग जाएगा, 1 महीने के आसपास समय लग जाएगा उसके बारे में जानकारी जानने में सुनने में। और इसके बारे में जानकारी अगर चाहिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको पे करना पड़ेगा, जिसका अनुभव और जानकारी आपको हो जाएगा, उसके बाद में आप अच्छा खासा जो है कहीं भी नीलामी में भाग ले सकते हैं, कहीं भी गाड़ी ले सकते हैं, चाहे सरकारी नीलामी का हो या प्राइवेट नीलामी का हो। तो इन सभी चीज़ों का जानकारी अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं ना, कोई कहीं ना कहीं कोई टीम आपको सपोर्ट करेगा, बताएगा। रह गया बात की ये नीलामी सब जो गाड़ी सब देख रहे हैं सब मुजफ्फरपुर में जो नीलामी शुरू कर दिया गया है, तो मुजफ्फरपुर में गाड़ियों की नीलामी की जाएगी, तो आप लोग बिना निःशुल्क आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए कोई भी प्रक्रिया जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आप तो जो आवेदन का प्रक्रिया है वो प्रक्रिया आप लोग कीजिए और नीलामी में भाग लीजिए, बिल्कुल निःशुल्क है। और बिहार के तमाम अलग अलग ज़िले में नीलामी की जा रही है, तो अगर आप चाहें तो बिहार के अगर आप अलग स्टेट से भी हैं या बिहार के किसी भारत के किसी भी कोने से अगर आप हैं तो आप नीलामी में आसानी से भाग ले पाएंगे और गाड़ी खरीद पाएंगे, क्योंकि सरकार के थ्रू जो ये सब नीलामी किया जा रहा है, तो आप कम कीमत में अच्छी गाड़ी खरीद सकते हैं। सरकार को भी जो रेवेन्यू का जो है, बिहार सरकार के जो रेवेन्यू है यहीं से कलेक्ट हो रही है, तो आप लोग इसमें भी आप लोग सहयोग करिए और अधिक से अधिक जो थाने में जो जब्त गाड़ी सब है काफ़ी टाइम से जो हो रही है उसको भी आप लोग लेकर अपना बनवा कर चढ़ सकते हैं, या उसको अगर कारोबार के माध्यम से भी आ रहे हैं तो आप लोग को बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे एक्साइज का जो गाड़ी सब है, एक्साइज के तरफ एक्साइज में रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा और आप लोगों को भी बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं फ़ायदे की आप लोग के लिए किया जा रहा है सरकार के थ्रू, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, तो आप लोग इसमें भाग लीजिए। और कुछ लोग डरते हैं कि थाने की जो गाड़ी है तो इसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए ही ये सब खुली ऑक्शन की जा रही है ताकि आम लोग भी इसमें भाग ले पाएँ और गाड़ी को खरीद पाएँ, तो आम आदमी भी इसमें नीलामी में भाग ले पाएंगे। जो प्रोसेस है आपको प्रोसेस को आपको पूरी अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं होता है, तो उसके लिए भी आप लोग को निश्चिंत रहना है। अगर कहीं अगर ऐसा धोखाधड़ी होता है तो उससे भी आप लोग को सावधान रहना है, कहीं दूसरे जगह की किस कहीं भी 1 चौवनी का भी पेमेंट नहीं करना है आप लोग को, सीधी आपको एक्साइज कार्यालय में जाइए, उसके बारे में समझिए, जानिए, फिर नीलामी में भाग लीजिए। देख सकते हैं इस तरह से लोग जो है ना गाड़ी जो है ना गाड़ी का नंबर प्लेट भी तोड़ के हटा देते हैं कुछ लोग, कि उस पर कोई दूसरा कोई बोली ना लगे, जितना देख रहे हैं इसी सब टाइप का गाड़ी सब होता है, इतना कन्फर्म हो जाइए। हम गाड़ी इसमें नहीं, एक एक गाड़ी को हम नहीं दिखा पाएंगे, कौन कौन गाड़ी लिस्ट में, जितना देख रहे हैं इसी जो हमारे हाथ में भी लिस्ट है, जितना गाड़ी देख रहे हैं इसी में जो है ना सब गाड़ी है, ठीक है, लेकिन एक एक गाड़ी को हम इसलिए नहीं दिखाएंगे कि एक ही गाड़ी पर ना जाने काफ़ी सारे लोग आवेदन कर देंगे, फिर गाड़ी का रेट काफ़ी हाई हो जाएगा, तो काफ़ी लोग इससे भी लोगों को फ़ायदा होगा, तो आप